हेलो छात्रगण और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? निश्चित तौर पे आप लोग ठीक होंगे और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप ऑनलाइन क्लासेस में अच्छी तरह समझ रहे होंगे और नोट्स भी लिख रहे होंगे। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई है, सब्जेक्ट खोर था और 4JTAGT। अतः एक बार फिर आपका इस खोरठा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जोहार छात्रगण और दोस्तों, आज मतलब आज जे टेट खोरठा के विषय है सर्वनाम। हिंदी में सर्वनाम, अंग्रेजी में प्रोनाउन, आर खोरठाएं सर्वनाम। किलों की, क्योंकि खोरठाएं में रेप के वर्ण के पर जो नाय भेटा है, नाय हुए है, तखन तब हम लिखले ही सर्वनाम। और हिंदी में सर्वनाम और खोरठाएं प्रोनाम। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा नॉन, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसी को सर्वनाम प्रोनाउन कही जाती है। संज्ञा के बदले माने कि संज्ञा के अवजी, संज्ञा के अवजी या संज्ञा की जगहें, संज्ञा के अवजी मतलब संज्ञा के बदले या संज्ञा की जगह, तो हम यहां, मैं यहां, हम यहां कह सकते हैं कि संज्ञा के औजी, संज्ञा नहीं, संज्ञा, संज्ञा के औजी, संज्ञा के बदले आर और बा मतलब या, बा संज्ञा के जगहें, संज्ञा के जगह जे शब्द के प्रयोग भेटा है, होवे है, ओकरे खोरठाएं, उसी को खोरठा में सर्वनाम कहल जाए। माने कि हम ई लखे इस तरह कह सके है कि संज्ञा के औजी जे शब्द के प्रयोग बा, संज्ञा के जगहें जे शब्द के प्रयोग भेटा है, होवे है, ओकरे सर्वनाम कहल जाए। छात्रगण दोस्तों, मैं यहां पे इस व्हाइट बोर्ड पे लिखा है सर्वनाम, सर्वनाम, और मैंने यहां 6 भाग माने 6 खंडों में, 6 पार्ट में 6 भाग लिखा है। माने कि मतलब हिंदी लखे
या मतलब बा, या हिंदी जैसन, हिंदी लखे या हिंदी की तरह, दो लिखे, हिंदी लखे या हिंदी जैसन, हिंदी की तरह खोरठाएं, खोरठाएं, खो रा ठा या खोरठाएं, हिंदी लखे खोरठाएं के भी छे खांदा में सर्वनाम के बाटल जाहे। हिंदी की तरह खोरठा के सर्वनाम को भी छे खांदा में छे भागों में बांटी जाती है। छात्रगण, दोस्तों, मैंने जो यहां लिखा है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये भाग हिंदी वाली है। मैं आपको समझाने के लिए, तोहीन के समझे खातिर, हम हिया के बोर्ड पे हिंदी वाला खांदा लिख ले ही। हम आप लोग को समझाने के लिए हिंदी वाली भागों को लिखा है। अब हम हिया खोरठाएं में एकरा कैसे लिखल देते, इसको कैसे लिखा जाएगा, हिया हम लिखबे। इस हिंदी वाली खंड को खोरठाएं कैसे लिखल जाते, कैसे लिखा जाएगा, हम यहां लिख के बताते हैं आपको। ये हिंदी वाली है, अब यहां इसको खोरठा में लिखेंगे। व्यक्तिवाचक सर्वनाम हिंदी वाली है, इसको लिखेंगे बे ग ई ता। विगत वाचक सर्वनाम, कौन वाचक, विगत वाचक, मतलब ये खोरठा वाला चल रहा है। यहां बोला व्यक्ति, मकीन खोरठाएं में, खोरठाएं व्यक्ति वाचक सर्वनाम के विगत वाचक सर्वनाम कहल जाए। वे नियर, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, वे हे नी यरा, वे हे नियर, उसी प्रकार निजवाचक सर्वनाम के खोरठाएं माइन गाइन, माइन गाइन, माइन गाइन या गाइन माइन सर्वनाम कहल जाए। हिंदी में निश्चयवाचक, निश्चय है, फिक्स है, नो डॉटफुल, कोई डॉट नहीं है, ओकरा खोरठाएं आपगा, आपगा वाचक सर्वनाम कहल जाए। आपगा हिंदी में निश्चय और खोरठाएं आपगा वाचक सर्वनाम, माने निश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चय डॉट है या फिक्स नहीं है, हिंदी में अनिश्चय और एकरा खोरठाएं अन ठे का ई रा, अनठेकाई, एकरा खोरठाएं अनिश्चय के खोरठाएं अनठेकाई वाचक सर्वनाम कहल जाए। वह नियर संबंध वाचक रिलेशन, ओकरा खोरठाएं नाता गोता, नाता गोता, संबंध के खोरठाएं में नाता गोता सर्वनाम कहल जाए। और प्रश्नवाचक हिंदी में एकरा खोरठाएं सवाल, सवाल मतलब सवाल, प्रश्न, एकरा खोरठाएं
सवालवाचक सर्वनाम कहल जाए। तो छात्रगण आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम के हिंदी की तरह छह भाग होते हैं, उस छह भाग को व्यक्ति, निज, निश्चय, अनिश्चय, समन, प्रश्नवाचक बोलते हैं, आरकला खोरठाए में बेगैत, माइन गाइन, आपका अंठिकाय, नाता गोता और सवाल वाचक सर्वनाम कहल जाए। छात्रगण आप अच्छी तरह समझ लीजिए एक बात कि खोरठा में जब भी पढ़ाई करें तो जो उदाहरण रहेगा उस उदाहरण को वाक्य के रूप में प्रयोग कर ले, तभी आपको अच्छी तरह से खोरठा का चैप्टर समझ में आएगा। अब हम एक एक करके इखांदा के बारे में जानेंगे कि ये है क्या, ये बोलता क्या है, ये क्या कहना चाहता है ये वर्ड। अब जैसे हम यहां लिखें सर्वनाम, तो हम बोल दिए कि संज्ञा के औजी संज्ञा के बदले जे शब्द के प्रयोग हुए है ओकरे सर्वनाम कहल जाए। तो संज्ञा के बदले क्या प्रयोग होगा भाई, जैसे जैसे हम बोले कि मोहन या मोहना आज घूरे ना गेले, मोहन आज घूरने नहीं गया किलो की, क्योंकि ऊ आज बीमार हो गले। अब यहां मोहन के जगह हम बोल दिए ऊ, तो यहां ऊ क्या है, सर्वनाम है। तो क्या करो ही, तुम क्या करते हो, आपका नाम नहीं बोले, तो क्या करो ही, तुम क्या करते हो, तो वहां नाम पे जगह तो बोल दिए तुम, तो यहां तुम क्या है, तो क्या है, सर्वनाम है। ई पेना या पेन ओकर हके, ये पेन उसका है, हम नाम नहीं बोले, नाम के जगह में उसका बोल दिए कि ये पेन ओकर हके, तहिया ओकर काहे सर्वनाम है। छात्रगण समझ गए होंगे कि हम ओकर, तोए, ओकरा, इस शब्द संज्ञा के अवजी आया, उसके बदले आया। अब यहां पे हम खांदा पे आ रहे हैं, यहां लिखा व्यक्ति वाचक सर्वनाम और इकरा खोठाए में कहल जाए बेगैत वाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम जो हम बोल दिए कि व्यक्तिवाचक है, तो ऐसन सर्वनाम के शब्द, ऐसन सर्वनाम का शब्द जे बेगैत के जगह, व्यक्ति के जगह प्रयोग होता है, बुरा व्यक्ति के जगह प्रयोग होता है। अब वो व्यक्ति चाहे वो जेनी जायत हो, स्त्रीलिंग हो, चाहे मरद जायत हो, चाहे वो पुलिंग हो, लेकिन उसके जगह में प्रयोग हुआ, ओकरे बेगैत वाचक कहल जाहे। जैसे प्रथम पुरुष का एक वचन हाम, प्रथम पुरुष का एक वचन हाम और बहुवचन में हामीन, हम एक और हम लोग बहुत हैं तो हामीन, हम एक वचन और हम लोग बहुवचन, तो हम और हम लोग
व्यक्ति के बदले प्रयोग किया गया। तोय तुम और तोहिन, तुम और तुम लोग, मध्यम पुरुष का एक वचन और ये बहुवचन, उत्तम पुरुष ऊ और ओखीन, पहला बोला हम तुम और आप लोग, हम हमीन, तुम लोग, ऊ उन लोग। तो गौर कीजिए, हम तुम लोग, इस सारा जो शब्द है केकर जगह, केकर औजी ने उस व्यक्ति की जगह में आया, व्यक्ति के जगह प्रयोग हुआ, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे ओ हो, व्यक्ति के जगह में इन शब्दों का प्रयोग किया। जैसे हम खा लगल ही, हम खा रहे हैं, हम इन खा लगल ही, हम लोग खा रहे हैं, तोय जा रहा ही, तुम जा रहे हो, तोहिन जा रहा है, तुम लोग जा रहे हो, ऊ का करे थे, वो क्या कर रहा है, ओखिन का करे था थी, उन लोग क्या कर रहा है, इसका आप समझिए पढ़ते उदाहरण हम क्या के बोले। तो हम हमिन, तोय तोहिन, ऊ ओखिन, तो हम हमिन, तुम तोहिन, ऊ ओखिन, केकर औजी आईले, तो वो व्यक्ति के औजी आया, चाहे वो व्यक्ति जेनी जायत हो, चाहे मरद जायत हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो पुलिंग हो, एक रे बेगैत वाचक सर्वनाम कहल जाए। जैसे निजवाचक एकरा माइन गाइन, महत्व मतलब वैल्यू, महत्व वाचक सर्वनाम भी कहल जाए। कर्ता ले, कर्ता के लिए, या करवैया करे वाला, कर्ता के ले, कर्ता के लिए या करवैया के लिए, उसके लिए, जखन कर्ता के लिए आपन, आपने ही, आप, जब कर्ता के लिए जो काम कर रहा है उसके लिए, जब आपन, आपने ही और आप शब्द के जखन प्रयोग हुए है, तखन ओकरा माइन गाइन वाचक सर्वनाम कहल जाए। जैसे आपने ही भाता रांधो पर, तो आपको खाना अपने ही बनाना पड़ेगा। देखिए आपको ही बनाना पड़ेगा, आपन काम करो है, अपना काम वो स्वयं करता है, खुद करता है, तो वो जो अपना काम खुद कर रहा है, अपने ही पढ़ रहा है, अपने ही जा रहा है, तो कर्ता के लिए जखन आपन, आपने ही और आप शब्द के प्रयोग हुए है, तखन उकरा हिंदी में निजवाचक और कोठा में माइन गाइन और गाइन माइन सर्वनाम कहल जाए। अब छात्र अगर आप ही देखिए, मैं लिखा हूं अबगा और हिंदी में है निश्चयवाचक, एकरा खोरठाएं निश्चित वाचक भी कहल जा सके है, मकिन आबगा के प्रयोग खूब हुए है, आबगा के अर्थ हुए है निश्चित वाचक, कोई डॉट नहीं है, नो एनी डॉट फुल, एकदम फिक्स है। जैसे ऊ, मोहना के बाप लगे, ऊ मोहन का बाप है,
ओ मोहना के बाप है, वो मोहन का बाप है, इसमें कोई डॉट नहीं है। वो तो बोल दिया कि वो मोहन का बाप है, इसमें कोई डॉटफुल नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, एकदम फिक्स है कि वो मोहन का बाप है। ई हमर माय के, ई मेरी माँ है, इसमें कोई डॉटफुल नहीं है, वो मेरी माँ है तो माँ है। तो ऊ ई इनखर उनखर उकर, इनखर से काम ना हो तो, इनसे काम नहीं होगा, वो जानता है फिक्स है कि इनसे काम नहीं होगा। देखिए तो ऊ ई इनखर उनखर, उनखर से काम हो जाए तो, उनसे काम हो जाएगा, ये फिक्स किया हुआ है। तो ऊ ई इनखर उनखर उकर, जखन ई शब्द के प्रयोग भेटा है सर्वनाम के औजी, और जखन उ वाक्य से निश्चितता के बोध हुए है, कोई संदेह पैदा ना करो है, तखन ओकरा अवगा वाचक सर्वनाम कहल जाए। तो एकर पटतै अवगा के पटतर, अवगा के उदाहरण का है, उ ई इनखर उनखर उकर आरो आरो इत्यादि। अब हिंदी में अनिश्चित, बुरा अनिश्चित है, अनिश्चित मतलब कोई फिक्स नहीं है, संदेह पैदा कर रहा हो, एकरा खोरठाएं अनठेकाए वाचक सर्वनाम कहल जाए। अनठेकाए, अनठेकाए को आप लोग ऐसे समझे कि एक बच्चा है आम के पेड़ पर, पेड़ के कहल जाए या फेड़, आम के पेड़ पर आम लदरल है, आम खूब फला हुआ है, एक बच्चा सोटा मोटा वाला उठाया और आम के पेड़ पे मारा। अब आम के पेड़ पर चलाया वो लेबदा, लेबदा मतलब डंडा, आम के पेड़ पर लेबदा फेंकल के और आम गिर गया। वो चलाया वो किसी एक आम के, किसी एक आम पे वो निशाना नहीं लगाया, वो लेबदा फेंका अनठेकाए जो गिरा सो गिरा, मतलब वो निश्चित सोच के किसी आम पे नहीं फेंका लेबदा, वो लेबदा चलाया अनठेकाए गिरा गिरा। मतलब जखन कोनो, जखन कोनो, जब कोनो सर्वनाम से, सर्वनाम के प्रयोग से अनिश्चित या कह सके ही निश्चित के टवान, देखिए मैं नया वर्ड बोल रहा हूं, टवान ट व न, निश्चित के टवान मतलब निश्चित का एक शब्द नाय पुरचाए, नाय नाय फू रा चा या, मतलब निश्चित का उदाहरण, निश्चित शब्द का प्रयोग पता नहीं चलता, निश्चित के टवान नाय पुरचाए, निश्चित का फिक्स नहीं होता, उकरे अनठेकाए वाचक सर्वनाम कहल जाए। जैसे हम बोल रहे हैं कि ऐसन सर्वनाम के शब्द जेकर से निश्चित के टवान नाय पुरचाए, निश्चित का पता नहीं चलता, उकरे कहल जाए अनठेकाए। जैसे देखिए मैं लिखा हूं कौन हूं, आइज
कौन हो, घर आते, ठीक है बोल रहा, आज कौन हो घर आते, आज कोई घर आएगा, आज कोई घर आएगा, अब आज कोई घर आएगा ये फिक्स नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, किकरो मोहना मतलब मोहन आज किकरो सोटते, सोटते मतलब मारेगा छड़ी से, मोहना आज किकरो सोटते, लग रहा किसी को आज मारेगा, अब किसको मारेगा नहीं मारेगा वो डॉटफुल है, मारेगा कि नहीं मारेगा, किकरो कोई आज कोई बाजार जाते, आज कोई बाजार जाएगा, तो कुनहो केकरो कोई इस शब्द जखन कुनहो वाइक और संज्ञा के औजी प्रयोग हुए है ओकरे अंठेकायर वाचक सर्वनाम कहल जाए। तेकर पैटर क्या है, अंठेकार की उदाहरण क्या है, कौन हो किकरो कोई आरो आरो इत्यादि। पांच नंबर खांदा है संबंध वाचक, संबंध के खोरठाएं नाता गोता, नाता गोता एकरा कहल जाए, एकर परिभाषा, परिभाषा के कहल जाए परिभाषा भी बोल सके है, एकर परिभाषा बोल सके ही जखन कोनो एक सर्वनाम के शब्द, जब कोई एक सर्वनाम का शब्द कोनो कोई दूसर, जब सर्वनाम का कोई शब्द दूसरे सर्वनाम से नाता गोता जोड़ता है, एक शब्द दूसरे शब्द से जोड़ता है, एक बाइक का सर्वनाम दूसरे वाइक के सर्वनाम से जोड़ता है, तखन ओकरा नाता गोता सर्वनाम कहल जाए। जैसे जैसे एग्जाम्पल है, जैसे इसे आप ये समझिए, जे करते, जे करते से भरते, जो करेगा सो भरेगा, तो यहां जे और से, इस वाक्य में जे और इस वाक्य में से जोड़ दिया, दोनों का संबंध जोड़ा, जे करते से भरते, और जेकर खेत, जिसका खेत है सिकरा गर्जे न, जिसका खेत है उसका कोई गम ही नहीं है, तो जेकर खेत सिकर ना गम, सिकर गमे न है, सेम है जेकर खेत तेकर गम न, तो जेकर से सिकर, जेकर से तेकर जोड़ दिया दोनों वाक्यों, जैसन करनी वैसन भरनी, जैसा किया वैसा भरेगा, तो जैसन करनी एक वाक्य, वैसन भरनी दो वाक्य, तो जैसन करनी यहां जैसन, वैसन भरनी वैसन, तो यहां जैसन और वैसन कौन सर्वनाम है, तो ओकर उत्तर होते संबंधवाचक, माने कि खोरठाएं नाता गोता सर्वनाम। आर छठा और अंतिम खांदा है प्रश्नवाचक, जेकरा सवाल, तो की सवाल करो ही, सवाल बोल रहा है मतलब प्रश्न बोल रहा है, प्रश्नवाचक हिंदी में, आर खोरठा एकरा सवाल वाचक सर्वनाम कहल जाए। सर्वनाम के ऐसन शब्द जेकर से सवाल के टवान, सवाल का शब्द उजागर होती है, फुरचाहे ओकरा प्रश्नवाचक कहल जाए। कि
किकर कौन, प्रश्न है कौन कौन आज बाजार जाते, आज बाजार कौन कौन जाएगा, तो प्रश्न पूछ रहा है कौन कौन जाएगा। किकर, ई पेन किकर है, ई पेन किसका है, सवाल पूछ रहा है किकर। की काम करो ही, कौन काम करते हो, तो यहां की केकर कौन आरो आरो केकर पटतै रहे, तो हम कह सके ही सर्वनाम के सवाल वाचक सर्वनाम के पैटतर है। तो छात्रगण आपने ये देखा कि सर्वनाम क्या है, तो हम कह सके ही कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के औजी उसके बदले और संज्ञा के जगह जगहें जे शब्द के प्रयोग हुए है उकरे सर्वनाम कहल जाए। हिंदी लखे, हिंदी की तरह खोरठाएं के भी सर्वनाम में छह खानदान बांटल जाए। विगत वाचक माइन गाइन आपगा अंठेकार नाता गोता सवाल, एकरे हिंदी में व्यक्तिवाचक निजवाचक निश्चय अनिश्चय संबंध और प्रश्नवाचक कहल जाए। तो छात्रगण आपने समझा कि सर्वनाम क्या है, क्या क्या उसका एग्जाम्पल है, किसको कही जाती है और कितने खंडों में बांटी जाती है। ये आप अच्छी तरह सर्वनाम को समझ जाएंगे तो आपको लिखने में और समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए। तो छात्रगण निश्चित तौर पे आपको आज खोरठाएं सर्वनाम के कला कहल जाए और कई गो खानदान बांटल जाए उससे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। छात्रगण ओके, थैंक यू।